नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक कमर्शियल इन्वर्टर के बारे में। ब्रांड है ये माइक्रोटेक का ब्रांड है और जो मॉडल है ये है UPS XP2300। ये साइड से इस तरीके से दिखता है, लिखा हुआ इस पे UPS XP2300 एक्स्ट्रा पावर फॉर लॉन्गर आवर्स सेफेस्ट लॉन्गर बैकअप, इस तरीके से लिखा होता है इस तरफ से। और जिस तरफ इसकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन लिखी होती है उस तरफ से ये कुछ इस तरह से दिखता है। और इसके जो कुछ फीचर्स हैं जो कंपनी क्लेम करती है, ड्यूरा रिटर्न, ऑटो रिसेट, लो वॉट लॉस ईआई कोर, रिसेटेबल सर्किट ब्रेकर, इंटेली चार्ज, पल्स टेक्नोलॉजी, चार्जेस एट लो वोल्टेज 90 वोल्ट ऑल्सो, एंड कॉन्स्टेंट एंड कंटिन्यूस रेगुलेटेड चार्जिंग, ये कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। और कुछ इसके जो अदर टेक्निकल डिटेल्स हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। प्रोडक्ट है UPS, इसके जो नंबर है UPS XP2300, मॉडल नंबर है MTKF B23P, एक इसके अंदर क्वांटिटी है एंड बाकी ये BIS सर्टिफाइड है। तो ये माइक्रोटेक का ब्रांड जिसे आप कह सकते हैं, जो बहुत रिलायबल ब्रांड है। दूसरी तरफ से देखेंगे तो कवर कुछ इस तरह से दिखता है और बॉक्स के दूसरी तरफ से भी इसी तरह से दिखाई देता है जो मैंने पहले आपको बताया। ये ISO सर्टिफाइड कंपनी है माइक्रोटेक। अब हम इसे अनबॉक्स करेंगे। तो मेरे पास ये नाइफ है, इसका जो भी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होगा मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, आप वीडियो में बने रहिए। इसे मैं अभी अनबॉक्स कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आया है और ये अपने हम कमर्शियल यूज लाएंगे। अनबॉक्स कर दिया है और इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो ऐसी जो पॉलीथीन जो शीट होती है उसके अंदर ये रैप्ड है। अभी हम इसे अनरैप करेंगे। अब बात करेंगे कुछ इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जैसे कि कंपनी क्लेम करती है इनपुट जो वोल्टेज है स्टैंडर्ड रेंज 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट, और नैरो रेंज की बात करेंगे तो 180 टू 260 वोल्ट। आउटपुट वोल्टेज ऑन UPS मोड 220 200 वोल्ट टू 230 वोल्ट प्लस माइनस 10%, एंड फ्रिक्वेंसी जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो 50 हर्ट्ज, जो कि इंडिया में अपना हम यूज़ कंज्यूम करते हैं 50 हर्ट्ज। और स्विचिंग फ्रॉम मेंस टू UPS वो ऑटोमेटिक है। तो एफिशिएंसी इसकी है ग्रेटर देन 84%, UPS ओवरलोड स्लैश UPS शॉर्ट सर्किट 110% स्लैश 300%, UPS ट्रांसफर टाइम लेस देन इक्वल टू 15 मिली सेकेंड, एंड बाकी और कुछ जो दिया हुआ इसमें ऑपरेटिंग रेंज, ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर है 0 to 45 डिग्री सेल्सियस। और बाकी आप इस मैनुअल को जरूर पढ़ें, इसके साथ ये मैनुअल आती है। और फ्रंट पैनल पे क्या क्या मिलने वाला आपको, बैक पैनल पे क्या क्या मिलने वाला, ये पूरी डिटेल्स इसमें दी हुई है। ये बहुत काम का एक मैनुअल है, हम लोग जनरली मैनुअल नहीं पढ़ते हैं लेकिन आप मैनुअल अपने पास जरूर रखें, काम आने पे पता चल जाता है। जब कभी कोई एरर दिखाता है UPS तो कैसे उसको करेक्ट करना है, ये सब चीज़ें इसमें लिखी होती हैं, आप इसे जरूर पढ़ें। और ये जो है ये डबल बैटरी 24 वोल्ट सिस्टम है, XP2300 24 वोल्ट वाला ये अपने पास मॉडल है। तो अब हम बात करते हैं, बैक साइड से देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये AC आउटपुट के लिए आपका ये यहाँ पर पोर्ट दिया हुआ है। ये आउटपुट प्रेस टू रिस्टार्ट, ये आपको रिस्टार्ट करने के लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। और ये आपके जो दोनों के दोनों जो केबल प्लस एंड माइनस का जो लगेंगे आपके बैटरी पे, और इसके साथ जो दो बैटरी आते हैं वो हैं, और दो बैटरी को आपस में जोड़ने के लिए, बैटरीज को आपस में जोड़ने के लिए ये बड़ा सा एक केबल है, और बैटरीज जो इसमें वो सीरीज में जोड़ेंगी। बैटरीज का जो हम अनबॉक्सिंग है वो थोड़ी देर में करेंगे, ऑल दो हमने ये खोल दी है। ये बैटरी है डीजी पावर की और जो कि माइक्रोटेक का एक ब्रांड है। तो 150 AH की हमारे पास दो बैटरीज हैं और 150 AH ईच 150 एम्पियर आवर दोनों का जो रेटेड पावर है, जो कैपेसिटी है, दोनों टॉल ट्यूबुलर है। आप वीडियो में बने रहें, हम थोड़ी देर में जो बैटरीज हैं उनका भी अनबॉक्सिंग करेंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे। और ये जो UPS है फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से दिखता है माइक्रोटेक UPS, यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग दी हुई है
टेक्नोलॉजी वी लिव, और यहाँ पर XP2300 जो कि जिस मॉडल का ये है, ये यहाँ पर आपका पावर का बटन दिया हुआ है जिसे आप मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पे कुछ LEDs इंडिकेटर दिए हुए हैं। मेंस ऑन जब रहेगा तो ये ब्लिंक करेगा, जलेगा। UPS ऑन चार्जिंग और चार्ज कर रहा है या फुली चार्ज है वो बताएगा यहाँ पे। ओवरलोड का जो इंडिकेशन होगा वो यहाँ से देखने को मिलेगा, बैटरी अगर लो है तो यहाँ पे दिखाएगा, और CB जो ट्रिप अगर ट्रिप होता है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये स्टेटस एंड फॉल्ट का जो पूरा का पूरा जो स्टेटस है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। टॉप पे कुछ डूज एंड डोंट्स हैं वो आपको पढ़ने हैं। कस्टमर केयर का भी नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, और इनका जो वेब का जो लिंक है वो भी दिया हुआ है, microtechdirect.com। और डूज हैं कुछ इस तरीके से, चेक द बैटरी पोलैरिटी एंड कनेक्ट द प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। जी हाँ दोस्तों, आपको पोलैरिटी चेक करनी है, प्लस का माइनस का प्लस नहीं कनेक्ट करना है, जो जहाँ पर दिया हुआ है वहीं पर कनेक्ट करना है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी गूंज रही होगी क्योंकि हम हॉल के अंदर हैं अभी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और ब्लैक वायर टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, रेड वायर टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जी हाँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसी तरीके से कनेक्ट करना है। और बाकी आप इस पर पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, डूज एंड डोंट्स। तो दोस्तों अब हम इसे कनेक्ट करेंगे थोड़ी देर में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों अपने पास जो बैटरीज हैं, बैटरा जिन्हों हम बोलते हैं, तो ये है DT658 बैटरीज, और ये है माइक्रोटेक की तरफ से आने वाली बैटरीज। ये है डीजी पावर सब ब्रांड के नाम से, मोर पावर लॉन्गर लाइफ, टॉल ट्यूबुलर ये बैटरीज हैं। 36 मंथ की इन पे वारंटी मिलती है आपको, अगर 36 मंथ के अंदर ये खराब होते हैं तो कंपनी ने फ्री ऑफ कॉस्ट में रिप्लेस करेगी। लो मेंटेनेंस जैसे कंपनी क्लेम करती है, और लॉन्गर लाइफ। अब हम इन्हें भी अनबॉक्स करने वाले हैं, एक हमने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिया है क्योंकि हमारे पास जो UPS है वो हमने ज़्यादा पावर कैपेसिटी का ले रखा है क्योंकि हम इसे कमर्शियली यूज़ में लेने वाले हैं। और बैटरी जैसे कि टॉप से कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, और साइड पैनल से बात करेंगे तो दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखाई देता है बाहर से, क्या क्या लिखा हुआ है इस पे। और कीप द बैटरी अपराइट, स्टोर इन ए ड्राई प्लेस, हैंडल विथ केयर, डू नॉट टिल्ट द बैटरी। जी हाँ दोस्तों, आपने इसको टिल्ट नहीं करना है, इसके अंदर जो एसिड भरा रहता है तो वो स्प्लेज होने का चांस रहता है, हाई कंसंट्रेटेड एसिड है इसके अंदर। और यहाँ पे दिया हुआ है ओकाया का कस्टमर केयर, अगर आपको कुछ रिलेटेड कुछ क्वेरी है तो यहाँ से आप स्कैन करके उस वेब लिंक पे जा सकते हैं। और वाटर लेवल इंडिकेटर है इनसाइड द बॉक्स, जी हाँ दोस्तों, तो ये बता देगा आपको कि कितना इसके अंदर जो लिक्विड है फ्लूइड है वो बचा हुआ है, और बाकी कुछ डिटेल्स उसके यहाँ पे ये हैं। अब हम इसे अनबॉक्स करेंगे, तो अभी हमने इसे कट कर दिया है नाइफ से, इसके अंदर कुछ मैनुअल वगैरह है तो वो इस तरीके से मिलेंगे आपको। तो दोस्तों जैसे कि ये 6 सेल बैटरी है, और हर एक बैटरी के अंदर कितना जो एसिड का जो लेवल है इंडिकेटर है वो इनके अंदर वो 6 इंडिकेटर दिए हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो प्रॉपरली आपको बता देगा कि किस लेवल तक आपका किस सेल के अंदर अभी एसिड लेवल है। तो जब ये ग्रीन में रहेगा तो कुल मिला के आपका बैटरी के अंदर जो लेवल है वो सही है, जैसे ये रेड में पहुंचेगा तो इसका मतलब उसके अंदर अब आपको जो एसिड है वो डालने का टाइम आ चुका है। तो अभी हम इसे अनबॉक्स करेंगे, काफ़ी हैवी है दोस्तों, ये लगभग 60 से 65 किलोमीटर किलो के आसपास माप लीजिएगा इनका वेट है किलोग्राम के आसपास, तो हम इसे अभी निकालने वाले हैं। और मेरे पास ये ल्यूब्रिकेशन टाइप का ल्यूब्रिकेंट टाइप का एक मेरे पास है, आपको ये टर्मिनल्स पे लगाना है इन पे, जब भी आप इन्हें टाइट करेंगे तो इससे क्या होगा आपका जो कनेक्शन होगा वो एक तो टाइट हो जाएगा, उनके ऊपर से क्या हो जाएगा कभी भी आपका जो कार्बन लगने की जो संभावना है वो कम हो जाएगी, तो आपकी जो बैट लाइफ ऑफ जो टर्मिनल है वो बढ़ जाएगी। तो हम इसे लगाएंगे, जो केबल को टाइट करने के लिए इसके साथ जो आप नट बोर्ड कहेंगे वो आते हैं साथ में। अभी हमने एक इंडिकेटर इसमें अटैच कर दिया है, वैसे ही हमें 6 सेल बैटरी है तो इसमें 6 करने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो हम इन्हें अभी कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जब भी कभी आपको दो बैटरी आपस में कनेक्ट करने हैं, दो बैटरीज, तो ये सीरीज में कनेक्ट होंगी,
तो इसका जो ये रेड वाला जो टर्मिनल है, ये तो ये प्लस वाला है, ये इसका माइनस से कनेक्ट होगा यहाँ पे इसके साथ, और फिर यहाँ से आउटपुट के लिए एक यहाँ से निकलेगा रेड से और एक ये ब्लैक से, तो ये दोनों कनेक्ट होंगे आपके यूपीएस में। तो अभी हम इन्हें कनेक्ट करने वाले हैं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, गलत कनेक्शन बिल्कुल नहीं करना आपको, नहीं तो पूरा आपका जो बैटरी जो सिस्टम है वो डैमेज हो जाएगा। और कनेक्ट करते समय ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो कनेक्शन है वो एकदम टाइट होने चाहिए, तो अगर टाइट नहीं होंगे तो बार बार ये ट्रिप हो जाएगा और या फिर लोड नहीं लेगा। तो दोस्तों ये वीडियो जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बन रहा है, आपको दिखाने के लिए, अभी ये अपनी एक्चुअल जगह पर लगेगा और लगेगा इस तरह से जैसे हम अभी फिट कर रहे हैं। तो इसका जो पॉजिटिव जो टर्मिनल है, क्योंकि सीरीज में लग रहा है, वो इसके यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो जाएगा, ये सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा। और अभी हम जो ये कनेक्ट कर रहे हैं, ये जो इनपुट जो जाएगा, जो चार्जिंग जो आप जिसे कह सकते हैं केबल, उनके साथ कनेक्ट होगा। काला वाला जो है ब्लैक वाला, ब्लैक वाले की जगह पे, रेड वाला रेड वाले की जगह, ये आपको पहले ही इंश्योर करना है। तो दोस्तों जैसे कि बैटरीज का सीरीज में आपस में कनेक्शन हमने कर लिया है, ये जो केबल आता है इसके साथ वो हमने जोड़ दिया है और कनेक्शन जो प्रॉपर हुआ है, और अब हम जाके ऑन करने वाले अपने यूपीएस को। यूपीएस का ये मेंस है, जैसे हम इसे प्रेस किया जैसे ही, तो ये यूपीएस ऑन का जो सिग्नल है इसने दे दिया है, इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो बिल्कुल प्रॉपर हो गया है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है बैटरी कनेक्ट करते समय, ये चीज़ ध्यान में रखनी, जो कनेक्शन होना चाहिए वो एकदम सही होना चाहिए। अगर गलत कनेक्शन हो जाएगा तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ट्रिप कर सकता है, खराब हो सकता है, आपका डैमेज हो सकता है पूरा का पूरा सिस्टम। तो अभी ये इस तरीके से ऑन है, हो चुका है। इसकी जो कॉस्ट है ये 9000 के आसपास है इन्वर्टर की, और जो दो बैटरीज हैं ये 24000 की हैं, कुल मिला के ये 36000 का पूरा जो सिस्टम है। तो दोस्तों हमने अपने ये बैटरी सिस्टम के साथ पूरा का पूरा ये जो ट्रॉली है वो भी हमने खरीद ली है। तो ये है जिंदल की डबल ट्यूबुलर, कुछ लिखा हुआ इस पर इस तरीके से, 6.5 किलो के आसपास इसका जो वेट है ये। तो अभी हम इसे भी अनबॉक्स करेंगे और दिखाएंगे आपको। ये जो ट्रॉली सिस्टम है 9 व्हील्स के साथ आती है, तो कुछ इस पे जो कुछ फीचर्स वगैरह हैं ये कुछ लिया हुआ है, दिखा हुआ है यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं इसे वीडियो पॉज करके। और इसे आपको फिक्स करते समय ये चीज़ ध्यान रखनी है, सबसे नीचे ये वाला रहेगा जहाँ पर इस पे टायर फिट होंगे, तो ये आपको जो कैविटीज़ दी हुई इसमें बनाई हुई हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 और बीच में ये 9, तो 9 इसके जो व्हील्स इसमें फिट होंगे। ये जो कैविटीज़ दी हुई हैं इसमें, ये ऊपर इसमें जो फिट करने के लिए जो साइड में जो पैनल आएगा, पैनल फिट करने के लिए दी हुई हैं, और ये जो बंद कैविटीज़ हैं यहाँ पर ये व्हील्स इसके फिट होंगे। और व्हील्स इसके जो हैं ये प्लास्टिक के बिल्ड के हैं, काफ़ी अच्छी बिल्ड है इनकी, हार्ड प्लास्टिक जिसे आप कहेंगे उसके बने हुए हैं। और व्हील्स आपको सबसे लास्ट में फिट करने हैं जब आपकी पूरी ट्रॉली हो जाएगी, नहीं तो ऊपर से प्रेस करते समय बहुत समय कभी कभी ये टूट भी जाते हैं, तो आपको व्हील सबसे लास्ट में फिट करने हैं। तो हमने ये एक पैनल फिट कर दिया है, दूसरा पैनल हम फिट करने जा रहे हैं। दूसरा पैनल भी फिट हो चुका है, ये बैक साइड का जो पैनल है उसे हम फिट कर रहे हैं। और जो साइड वाला पैनल है हमने लगा दिया है यहाँ पे, बीच में इसका एक यहाँ पर पोर्ट था लगाने के लिए छेद, तो उसमें वो लग चुका है, फिट हो चुका है। अब हम इसका जो टॉप वाला है वो लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे ऊपर वाला जो पैनल है वो भी हमने फिट कर दिया है, तो हमारी जो ट्रॉली है वो बन के तैयार हो चुकी है। और थोड़ी सी इसकी फिटिंग का इशू आ रहा है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपने जो बैटरीज हैं वो रख सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ था अपना जो पूरा का पूरा जो यूपीएस सिस्टम के बारे में आज का ये वीडियो। तो ये हमारा कमर्शियल पर्पज़ के लिए ला रखा है, अगर आपका घर में यूज़ होता है और आप काफ़ी ज़्यादा पावर कंजम्पशन है घर में, और एक हैवी ड्यूटी वाला अगर आप यूपीएस लगाना चाहते हैं घर में, तो ये माइक्रोटेक का ये पूरा का पूरा काफ़ी अच्छा ये आपके लिए यूपीएस रहने वाला है। और माइक्रोटेक की ही ये बैटरीज़ हैं, 12-12 हज़ार की दो बैटरीज़ हैं, टॉल ट्यूबुलर बैटरीज़ और 12 वोल्ट की बैटरीज है, तो कुल मिला के इस सीरीज में लग के 24 वोल्ट की ये सिस्टम तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। बस हमने पूरा का पूरा सिस्टम तैयार कर दिया है, अब आपको सिर्फ ये मेंस पे कनेक्ट करना है। तो ये सब कुछ इसके बारे में है। पीछे आपका ये इनपुट वोल्टेज UPS इन्वर्टर पे कनेक्शन स्विच करने के लिए कुछ दिया हुआ है, तो यही देखने को रह गया था। बाकी तो सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और